न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं रीवा की, जहां महापौर के साथ ही बीजेपी के तमाम पार्षद प्रत्याशियों ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नगर निगम के स्थित 45 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों के साथ ही अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा कार्यालय में एकत्र हुए कार्यकर्ता और प्रत्याशी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करवाने में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए प्रमोद व्यास और पार्षद पद के प्रत्याशी मुन्नू तिवारी ने अपनी जीत और प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज। हम वार्ड क्रमांक 5 से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हुए, उसमें आज हमने पर्चा दाखिल किया है। मैं वार्ड की जनता के लिए विगत में जैसे काम किया हूँ, उससे डबल ताकत के साथ एक बार पुनः वार्ड की जनता के लिए काम करूँगा। और वार्ड क्रमांक 5 में जो भी सुविधा अभी उपलब्ध जनता को नहीं है, मैं उसको उपलब्ध कराऊँगा। उसके लिए मैं जनता के सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा। वही एक आम नागरिक के और जनप्रतिनिधि के भी मुद्दे होते हैं। आम नागरिक उन मुद्दों को उठाता है और जनप्रतिनिधि उन मुद्दों को पूरा करता है। मैं भी अभी जनप्रतिनिधि की शुरुआत में हूँ, आम नागरिक ही हूँ। जिन मुद्दों की आप बात करना चाहते हैं, सड़क, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, उनके मुझे भी अच्छे से भान है, क्योंकि मैं भी आम नागरिक के रूप में रीवा में रह रहा था। हमारी सरकारों ने लगातार काम करके रीवा को नगर से महानगर बनाया है। हमारे जननेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने, आदरणीय सांसद जनार्दन मिश्र जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और राजेंद्र ताम्रकार जी से लेकर ममता गुप्ता तक के महापौरों ने रीवा के विकास को चार चांद लगाया है। और उसमें जो भी नगर की समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत बची भी हैं। मैं भी 2-3 दिन पहले वार्ड नंबर 43 में था, 26-27 में था, वहाँ भी पानी की टंकी का भी निर्माण नहीं हुआ है। पेयजल का जो पूरा हो जाना चाहिए था, अभी प्रोजेक्ट चालू है। माननीय मंत्री से मैंने बात की तो उन्होंने बताया 100 करोड़ रुपये फिर मंजूर हो गए हैं, आने वाले समय में टंकी का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो भी कमियां हैं उनको दूर करूंगा। 70 वर्षों से कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो गरीबी दूर नहीं हो पाई। 20 वर्षों की सरकार में आप क्या क्या अपेक्षाएँ करते हैं? मैं किसी दूसरी पार्टी को दोष नहीं दे रहा, हम सब अपना प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जिस ढंग का हमारा प्रयास है हम सफल होंगे, ये हम सबको पूर्ण विश्वास है। मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो आप कह रहे हैं, हमारी पार्टी ने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, आने वाले समय में भी हम सब अच्छे ढंग से काम करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना था।